अरे भैया हम चौबीस बच्चे की माँ है इतने हल्लुक समझ लिए का हमें कुछ अलग से मिल जाते क्यों हौसला नहीं टूटता है नहीं हौसला नहीं टूटता क्योंकि हमारे मियाँ हमारे साथ हैं जी मियाँ साथ हैं हस्बैंड अच्छा हस्बैंड <laughs> हम जेकरे ऊपर चाही ओकरे ऊपर रोप जमाई ला वाह वाह काहे की हम है चौबीस के मातारी अच्छे अच्छे लोगन का हार्ट फेल हो जब ही हाँ। हम अपन ब्यूटीफुल चेहरा दिखाई तालिया 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 सरकार तो कहती है की दो बच्चों पे रोक लो तो क्या करे आप बाईस ज्यादा पैदा कर दी तो क्या करे अब सरकार जब कह रही है की दो करो तो भाई देखिए भगवान ने दिया तो उन्हें लिया आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या फिर सिज़ेरियन? जी सब नॉर्मल सब नॉर्मल है है? जी यानी मतलब साथ है चलती तो बता हम वाली है आ, जी, तो जी उसमें से आठ बेटिया और बाकी बेटे है खेत बारी बताई तो कितना कितना आई अरे सब कमाइया खे न खेत बारी आई जोन थोड़ी बहुत पड़ी पड़ी नहीं बाकी अपन सब मेहनत करके करी है जी इतना लंबा रिस्क लेने का जरूरत है देखिए रिस्क में मजा है रिस्क में मजा जी जहाँ में रिस्क है नहीं नहीं रिस्क में मजा है हाँ। जी चवे कहाँ है जो चौबीस बच्चे आपके हैं कहाँ हैं स्कूल जाते हैं दो चार तो होंगे ना हाँ यहाँ पे है दो चार है और बाकी स्कूल गए हैं अच्छा सबको अगर इकट्ठा करके एक बार कैमरे के सामने ले आना पड़े तो ले आएंगी नहीं अभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे बच्चे अभी तो आएंगे हाँ जब आएंगे तब दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी नाम से बोल करता <laughs> प्यार करना भी परेशानी ज्यादा हाँ, पीछे पड़ गए मित्रों नमस्कार हमारी मौजूदगी है यूपी के अम्बेडकर नगर में और यूपी के अम्बेडकर नगर से चर्चाओं में थी चौबीस बच्चों की माँ चौबीस बच्चों की माँ जिस टीम में काम करती हैं वो टीम आज हमारे साथ है बारी बारी से सबका नाम जानेंगे और जानेंगे कौन क्या काम करता है क्या नाम हुआ आपका हमारा नाम सीमा है अच्छा क्या वीडियो में रोल करती है एक चटाई तीन लुगाई बस यही रोल है हाँ, हाँ। एक चटाई तीन लुगाई तो वीडियो का नाम होगा ना? मतलब हाँ। वही जो अभी बन रहे हैं बनती हैं आप वीडियो में क्या बनती हैं हर रोल करते हैं जो मिल जाता है वही करते हैं आपका क्या नाम है मेरा नाम नमस्कार है आप नमस्कार। <laughs> क्या नाम है आपका पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मेरा नाम अंगूर पटेल है क्या करते हैं वीडियो में आ, हर स्क्रिप्ट में आप भी कुछ बन जाते हैं जी जी भी कुछ भी बन जाते हैं जी जी हर इस, इस, स्क्रिप्ट में अलग अलग रोल होता है आपका क्या नाम है जी मेरा नाम अजीत कुमार है क्या बनते हैं वीडियो में आ, रोल के अनुसार रोल के अनुसार मतलब कि कहीं फिक्स है अब हम पहुंच गए हैं ये देखिए मुझे लगता है यही चौबीस बच्चों की माँ है लेकिन घूघट उगट है लगा रखी है यही नहीं समझ में आता है क्या नाम हुआ आपका जी मेरा नाम है खुशबू खुशी हुँ। और पाठक तो खुशबू पाठक आप लोग जानते हैं। का है चेहरा ढक रखी है नजर लग जा लेने बहुत ज्यादा नजर लग जाता है आ, ये कॉमेडी टीम है आपकी जी यही मेरी टीम है कॉमेडी तो गांव के लोग हैं कि कई गांव के गाँगे? जी अलग 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 हाँ आप भी शादीशुदा है जी बिल्कुल चौबीस बच्चों की माँ शादी शुदा तो अभी तो बच्चे हुए हैं हाँ। <laughs> अच्छा ये बताइए वीडियो में आप लोग काम करते हैं तो क्या घर वाले रोकते नहीं है जी रोकते गृहणी है आप। जी, जी। अगल बगल के लोग ताने मारते होंगे कहीं कहीं गांव में चर्चा होत हुई गली गली में कि इनका पतोहिया जैसे हाँ। का तो फोन कर और बाकी सब तो मान लड़ोस पड़ोस में चर्चा चलबे करे गांव में भी चर्चा चले चर्चावा का चले वही उनका फलाने की बहू वीडियो बनावत है हाँ वो भाई कास्ट हमारे कुछ अलग है ब्राह्मण ठाकुर के बहुत कुछ सामना करक पड़ा था वह सामना मुख करक पड़ा था हमें कुछ अलग से मिल जाते क्यों... नहीं टूटता है नहीं हौसला नहीं टूटता क्योंकि हमारे मियाँ हमारे साथ हैं जी मियाँ साथ हैं वही हस्बैंड हसबैंड कभी कभी गड़बड़ा देती है कभी कभी उर्दू फारसी सब बोलने लगती है आपका क्या नाम है जी मेरा नाम सोनी यादव है सोनी यादव जी आप क्या करती हैं बस यही स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी रहता है रोल कर देते हैं। अच्छा आज तक तो कोई आपका ऐसा रोल ऐसा स्क्रिप्ट जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो दर्शकों को जो हाईलाइट हो है कुछ नहीं याद आ रहा है।, <laughs> है? <laughs> है चलिए ये कौन है गोलू, गोल। हाँ, गोलू गोल्ड गोलू गोल्ड जी क्या मतलब ये भी रोल में रहते हैं जी रहते हैं हाँ। और क्या ये हमसे प्यार करते ओ, नहीं ये इनके लव पार्टनर है पार्टनर लव पार्टनर जी जी प्रपोज प्रपोज किए हैं जी नहीं दो दो हैं हाँ, दो, दो दो को अगल बगल जो खड़े हैं यही हाँ वही है वही है वही देख लीजिए मित्रों कि सोनी यादव के ये दो लव पार्टनर हैं एक उम्र में छोटा है और एक उम्र बराबर की उम्र का नहीं बड़े हैं हमसे बड़े हैं जी, बड़े हैं। जी। तो बराबर के नहीं क्यों मिलत रहा <laughs> अब हम कहां बताएं <laughs> सीन के हिसाब से है सीन के हिसाब से है जी मतलब ये सब कुछ सीन में चल जी जी वीडियो में कैसे प्रपोज करते हो इनको सुंदरी तुम्हारी लिपस्टिक का सर मेरे रोम रोम में बस चुका है तुम्हारे साथ मैं भी पक्का झिना बन चुका हूँ अगर तुम मेरे साथ नहीं चली ना मैं मर जाऊंगा सुंदरी मैं मर जाऊंगा आप क्या कहती हैं फिर

दिल पे छुरिया चलेंगी तो बिल्कुल कटारी चल, चल जाएगी <laughs> इसमें कितने लोग शादी शुदा है जरा हाथ उठा दीजिए हाथ उठाइए ये तीन ही लोग शादी शुदा है जिसमे दो महिलाएं हैं एक चौबीस बच्चों की माँ और चौबीस बच्चों की मौसी सही है ना हाँ सही है और आप शादी हो गई है जी। वीडियो में काम करते हैं तो ऐसे जैसे देखिए किसी की पत्नी बन जाइए या कोई लव अफेयर सामने आ जाए बीवी नहीं डिस्टर्ब होती है या डिस्टर्ब नहीं करती नहीं बीवी को खुशी होती है वो कहती है छुटकारा मिला मुझसे मतलब वो कहती है, है जान छूटी मेरी हाँ जाओ बाहर बीवी बनाओ गर्लफ्रेंड बनाओ जो मर्जी परेशान करते हैं क्या बीवी को? हो सकता है परेशान करता हूँ भाई प्यार बहुत करता हूँ ना तो उसे लगता होगा कि परेशान करता हूँ मतलब ज्यादा प्यार करना भी परेशानी है हाँ बीवी को लगता है कि यार कुछ तो ज्यादा ही पीछे पड़ गए कुछ दिन बाहर रहे हैं तो बढ़िया है।, हाँ। है हाँ सबसे सभी से चक्कर चलता है इन इन लोगों से भी चक्कर चलता है लेकिन इनके साथ आप अक्सर नाकाम नजर आते हैं नहीं नहीं इनसे प्यार बहुत करते हैं ना तो प्यार में नाकामी देखो लैला मजनू हाँ। फेल हो गया था ना हाँ। ही रांझा फेल हो गया था तो उस तरीके से हमारी भी स्टोरी है फेल हो जाती है जी ये भाई साहब पीछे चश्मा लगा करके क्या नाम है आपका मेरा नाम है सूरज सलोना हाँ, जी रोल होता है आपका रोल हम किसी का दमाद बन जाते हैं किसी का साढ़ू बन जाते हैं तो किसी का भतार भी बन जाते हैं डॉक्टर भी बन जाते हैं अभी तो फिलहाल जिस रोल में आप खड़े हैं जो ये आपका ये सफेद दाढ़ी वगैरह दिखाई दे रहा है इसमें दमाद नहीं बन सकते हाँ तो जी दमाद जी? नहीं बन सकते पति बने हैं मेरे पत, ए, पुत्र है जो ये हाँ, हाँ, जी पत्नी कौन है पत्नी जी ये बगल में खड़ी हैं चौबीस बच्चों का कारनामा अपहिक था ये ऐसा कुछ नहीं है वह तो रोल की बात बता रहा हूं। जो वीडियो टाइम पे शूट हो रही थी अभी जी क्या कभी ऐसा कुछ आया है किसी वीडियो में कि मतलब ये चौबीस बच्चों का किरदार या फिर चौबीस बच्चों का टोटल स्क्रिप्ट उतार दिया गया हो किसी वीडियो में जी स्क्रिप्ट तो पहले उतर चुकी है जी अभी चल भी रही है जी चौबीस बच्चों की स्क्रिप्ट आ चुकी है आ चुकी है और अभी कौन था नहीं नहीं अभी वो एडिटिंग क्या नाम है चल रहा है अभी अपलोड नहीं हुई हुआ वी अभी नहीं है हो चुकी सर। मतलब कि आप लोग इंतजार करिएगा और कौन से चैनल पे आएगा वो अपना एजे पे अपना एजे पे आप लोग सर्च करिएगा देखिएगा इंतजार करिएगा नोटिफिकेशन का कि ये जो 24 बच्चों की माँ है उस वीडियो में इनके पति कौन होते हैं बोलिए क्या हलो हलो अपना एजे हर कोई देखे उस पे अपना प्यार दुलार भरपूर दे अच्छा अब तो घुघटवा उतार दीजिए आप अरे नहीं ऐसे थोड़ी ना उठाएंगे इसकी फीस लगती है आप फीस दे दीजिए उसके बाद में हम उठा देंगे जी कितनी फीस है इसकी पाँच हजार पाँच हजार फीस है आप ढके रहिए आपका घाटा हो जाएगा मेरा नुकसान नहीं होगा लेकिन नुकसान दर्शकों का होगा अगर दर्शकों से आपको प्यार होगा तो आप घूंघट उठाएंगे देखिए दर्शकों से प्यार है लेकिन अरे भैया हम चौबीस बच्चों की माँ है इतने हल्लु समझ लिए का थोड़ी <laughs> ना ये पीछे छोटू खड़ा है बाबू इधर आगे आओ तो क्या रोल है आपका नाम क्या है मेरा नाम राजमंगल है हाँ। जी राजमंगल के का क्या रोल रहा ला? जी कभी प्रधान बन जाते अभी प्रेजेंट टाइम प्रधान है कुर्ता पहन के ही नाते आई लवा का तो अभी शूटिंग हुआ था ना जी बार बार था अभी बहुत मार्केट दर्द हो रहा <laughs> है प्रधान बनल हो तुम यहाँ कही नाली टूट लिया के सही करा कर सब सही हो जाएगा आप टेंशन मत लीजिए जी यही चाचा बैठ के शिकायत कर रहे थे हाँ हाँ मैंने तो बहुत दुष्ट है नहीं नाली नहीं बन मैंने सुना हमने कहा चाचा प्रसन्न मत हुई है समझ जाएगा सब जी कब तक बस इलेक्शन जीतने दीजिए दोबारा वाला दोबारा जी भाई वास्तव में ये प्रधान है और इनकी पूरी क्वालिटी पूरी गुणवत्ता झलक रही है कि ये इलेक्शन छोड़ दीजिए अगले अगले में उम्मीद करिए तब नाली नाबदान बनेगा उसके पहले नहीं चलिए अब घूंघट एक बार उठा दीजिए हवा अब किसिया हमारे पास नहीं है दर्शक कह रहे हैं कि अगर मुझसे प्यार है तो जरा चेहरा एक बार दिखा दीजिए दर्शक लोग तो आप जब अपलोड करेंगे वीडियो तब देखेंगे लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं ना तो पहले आप दे दीजिए हमारे ऑडियंस को अरे हमारे जो टीम के मेंबर है सभी को आप देखे सब... वही दर्शक लाइव देख रहे हैं लाखों करोड़ों और वो कहेंगे की पैसा लेकर के मुंह दिखाइया लेकर के तब आप गूगल अपने ऑडियंस को दिखाएंगे ऐसा नहीं है अपने ऑडियंस को दिखाएंगे लेकिन हम आपकी बात कर रहे थे हमारी बात क्या करना आप चेहरा दिखाइए दर्शक इंतजार कर रहे हैं और डायलॉग के साथ वो जो सबसे सब हाईलाइट डायलॉग है चलिए आ जाइए हम जेकरे ऊपर ऊपर ओकरे रोब जमाई ला कि हम हई चौबीस के महतारी अच्छे अच्छे लोगन का हार्ट फेल हो जाला हाँ। जब ही हम अपन ब्यूटीफुल चेहरा दिखाई तालिया 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 ये देखिए पूरी आधी वीडियो बीत गई है तब ये चेहरा उठाए हमसे नेक मांग रही थी पैसा दीजिए तब चेहरा दिखाएंगे जो तो बच गए आप लोगों का प्यार था कि आप लोगों का हवाला दे करके इनका घुघट उठवाई <laughs> ये तो ये तो सही है देखिए हमारी जो पब्लिक है हमें इतना प्यार देती है इसलिए आप बच गए वरना नहीं बचते हाँ पब्लिक का ही हवाला दे करके निकल लिए साइड से से नहीं नहीं आपको भी पब्लिक बहुत प्यार है जी बिल्कुल है और उसी पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे उसी पब्लिक से ऐसी ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग इतना प्यार दीजिए इतना प्यार दीजिए की हम लोग थामने में लग जाए ये समझ जाए आप लोग समझ जाए की हमारी जो हमारी टीम है उनका कमर समझ लो की झुक जाए बटोरते हुए अच्छा एक चटाई और तीन लुगाई की चर्चा हो रही थी उसमें क्या है उसमें वही है कि बेचारे सैलरी लेके आते हैं। है।, और तीन है।, है और ये तीनों लोग हमारी वाइफ हैं बीबी हैं और इनसे शादी हुई है ये दोनों लव मैरिज हैं हाँ। और एक... इनसे अरेंज मैरिज हुआ है हाँ इनसे अरेंज मैरिज हुआ है और ये दोनों लोग लव मैरिज लव मैरिज है और इसमें क्या होता है कि हम सैलरी पाते हैं सैलरी लेके आते हैं तो ये लोग अपना के तैयार रहते हैं मतलब खड़ी रहती हैं ग्रिल पे और हमारा इंतजार करती हैं और जैसे हम एंट्री करते हैं तुरंत एकदम हमको छोप लेते हैं सब लोग और सैलरी के लिए फिर उसके बाद ये सोचती हैं कि हम ले जाएँ पहले रूम में कि हमें सैलरी मिल जाए ये सोचती हम ले जाएँ ये सोचती हम ले जाएँ बाकी वीडियो में जाके देखें दर्शक तीन लुगाई के बीच में क्या कंडीशन हो गया था कंडीशन बहुत बुरा हाल अब इतना मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ कि मेरा कपड़ा वपड़ा सब चिट जाता वीडियो है वीडियो का हाल है और अगर कोई सच में तीन शादियाँ करना चाहता है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे भैया तीन शादी मत करिए हो सके तो एक ठे कर लीजिए और नहीं तो कहीं प्यार और तो चक्कर चला कर रह लीजिए शादी नहीं, नहीं करिए अरे भैया शादी परेशानी है मर्द परेशानी महंगाई इतना है और देखिए सबसे ज्यादा तो हम सीखते हैं अपनी भाभी जी से क्योंकि 24 बच्चा पालती हैं ये जानती हैं और हम लोग आते हैं तो जानते हैं कि कैसे कैसे ये परिश्रम करती हैं यह हिम्मत नहीं लेती शादी करने की हम टाइम निकाल के वीडियो भी बनाते हैं अपने ऑडियंस के लिए ये समझ लीजिए हम संघर्ष करते हैं हमारी टीम भी संघर्ष करती है टाइम से खाना नहीं खाते हैं ये समझ लीजिए अभी बहुत अभी तक हम... बहुत देर बाद ब्यूटी दिखाई है <laughs> ब्यूटी का राज दर्शक जानना चाहते हैं ब्यूटी का राज यही है भैया कुदरती देन है और पार्लर का देन है और कुछ खाने पीने का देन है किस पार्लर में जाती हैं यही हमारी ननद जी जाती हैं <laughs> पार्लर खोल ले हो। जी जरूर अच्छा कौन सा क्रीम और पाउडर यूज करती हो कि इतना निखार इनके चेहरे पर नजर आता अब हम कौन सा बताए पाउडर वो अपने काहे ना ही लगाए अपने हम ना लगाए इतने हम सब लगाई थे खाली हमारा अलग से रहा है नाम न बतायी तो चलिए मित्रों ये चौबीस बच्चों के माँ की पूरी टीम है जो कॉमेडी टीम है जो ये लोग वीडियो में मिल के काम करते हैं एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला ये जब काम करना प्रारंभ करती है तो गली मोहल्ले में इनके गांव में चर्चाएं होने लगती हैं कि पतोहिया का करती है तो हर में हररुआ का करती है इन सब बातों को दरकिनार करके ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हैं आज वायरल है चौबीस बच्चों की माँ के नाम से अगर कीवर्ड आप सर्च करते हैं गूगल पे तो इनका नाम और चेहरा सब कुछ इनकी वीडियो नजर आ जाएगी सबसे पहले आ रही है ना? सबसे पहले आता है अगर आप केवल चौबीस लिख देंगे तो उसके आगे सब कुछ अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे ही हाँ। कैसा लग रहा है बहुत अच्छा है इतना खुशी होती है कि पूछिए नहीं पहले तो गाँव वाले गालियाँ देते थे लेकिन अब कहते हैं कि बेटा नाम कर रहा है निकला। तो इस वीडियो में या फिर इनके टीम में जितने किरदार हैं ये किरदार कोई प्रोफेशनल नहीं है लेकिन ये कहीं कहीं प्रतिदिन प्रयत्न करके अपने काम में निखार ले आ रहे हैं और आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं तो चलिए मित्रों पूरी टीम पे एक बार बता दीजिए जरा सा नाम क्या है टीम का चैनल कहाँ लोग खोजेंगे अपना एक बार जोर से बोलिए सब लोग अपना एजे तो आप लोग जाइए अपना एजे पे सर्च करिए और इस टीम को प्यार दीजिए कॉमेडी दी वीडियो बनाते हैं तो चलिए मित्रों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार